हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल इंटीरियर ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास अगर रूम है, अगर आप उसमें आप टाइलिंग कराना चाहते हैं तो आपके रूम में कितना टाइल लगेगा और उसकी कास्ट क्या होगी टाइल की। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर दोस्तों, आपको बताते हैं कि एक रूम में कितना टाइल लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, एक हम लोग रूम बना लेते हैं कि कितने बाई कितने साइज़ का हमारा रूम रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों, एक हम लोग एक रूम को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा रूम, इसका ये फ्लोर फ्लोरिंग का एरिया है। इसी के अंदर दोस्तों हम लोग टाइल को लगाएंगे। तो इसी का दोस्तों हम लोग काउंट करेंगे इसमें कितना टाइल लगेगा। और ये रहा रूम दोस्तों, और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम लोग रूम के चारों साइड में स्कर्टिंग भी लगाते हैं, जैसे दोस्तों देख पा रहे इस तरीके से, जो कि हमारा 4 इंच से लेकर या फिर दोस्तों 3 इंच या फिर 6 इंच तक लगता है। तो ज़्यादातर दोस्तों हम लोग यहाँ पर 4 इंच का लगाते हैं। तो 4 इंच का हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं स्कर्टिंग। तो इसी का दोस्तों हम लोग एरिया निकालेंगे, कितना स्क्वायर फीट हमारा ये टाइल आएगा। उसी के साथ में दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना टाइल आएगा और उसका क्या कॉस्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, ये रहा हमारा रूम और इसका साइज़ हम इसको 10 फीट बाई 12 फीट रख देते हैं। 10 बाई 12 फीट का ये रूम है। तो भी दोस्तों हम लोग इसको, ये जो हमारा फ्लोर का है, ये तो बहुत इजीली ये इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको लंबाई और चौड़ाई से इसमें गुणा कर देंगे। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे, ये हमारा ये 10 फीट ये चौड़ा है और मान लो दोस्तों ये 12 फीट लंबा है। तो इसको गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 120 स्क्वायर फीट ये हमारा ये फ्लोर का एरिया हो जाता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो हमारा स्कर्टिंग है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चारों साइड में इसको जोड़ लेते हैं कितना फीट हमारा ये है। तो यहाँ पे दोस्तों दो साइड में 10-10 फीट है। तो यहाँ पर हमारा 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12, यहाँ पर टोटल दोस्तों हमारा 44 फीट हो रहा है ये हमारा। और इसका जो हाइट है यहाँ पे, ये हमारा 4 इंच है। इस टाइल का हाइट 4 इंच है, 4 इंच इसकी हाइट है। अभी दोस्तों हम लोग इसका स्क्वायर फीट निकालेंगे। तो इसको भी दोस्तों हम लोग दोनों से गुणा कर देंगे। तो सब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये 44 फीट है और इसके गुणे दोस्तों ये हमारा 4 इंच है। तब इसको दोस्तों हम लोग ऐसा नहीं गुणा करेंगे। अब इसको हम लोग जो हमारा 44 फीट है, इसको भी इंच में कन्वर्ट करेंगे या फिर दोस्तों हमारा जो 4 इंच है इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो 44 फीट है इसको इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको दोस्तों 44 को 12 से दोस्तों हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये 528 इंच हो जाएगा। और ये दोस्तों हमारा जो 4 इंच की हाइट है, इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 2112 इंच आ जाएगा टोटल स्क्वायर इंच। अभी इसको हम लोग दोस्तों स्क्वायर फीट में निकालने के लिए इसको हम लोग 144 से भाग देंगे, जो हमारा एक फीट में 144 इंच होता है, स्क्वायर इंच होता है। इसको भाग देंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा टोटल यहाँ पे 14.66 स्क्वायर फीट ये हमारा इस कटिंग का ये हमारा टाइल हो गया। तो टोटल जितना टाइल है दोस्तों 120 फीट दोस्तों हमारा फ्लोर में लगने वाला है। और इसको प्लस करेंगे 14.66 स्क्वायर फीट यहाँ पे हमारा ये इस कटिंग जो है, जो 4 इंच का है, इसमें लगने वाला है। तो इसको दोस्तों हम लोग टोटल यहाँ पे हमारा 134.66 स्क्वायर फीट यहाँ पे हमारा टाइल टोटल लगेगा। तो नॉर्मली दोस्तों अभी हम लोग इसमें कितना टाइल लगेगा ये मेजरमेंट करते हैं। तो नॉर्मल दोस्तों हम लोग घरों में जो भी टाइल का यूज करते हैं वो लगभग हमारा दोस्तों 2 फीट बाई 2 फीट का होता है। तो इसका जो एरिया आएगा टोटल स्क्वायर फीट, तो 2 दूना दोस्तों 4 स्क्वायर फीट। तो एक टाइल में दोस्तों हमारा 4 स्क्वायर फीट होता है। तो सिंपली दोस्तों हम लोग ये जो हमारा 134.66 स्क्वायर फीट है, इसको हम लोग 4 से
इसको भाग दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जितना टाइल्स लगेगा वो आ जाएगा। जैसा दोस्तों देख पा रहे, इसको भाग देने के बाद हमारा जो टोटल आ रहा है 33.66 टाइल्स लगने वाला है समथिंग। दोस्तों ये हमारा 34 टाइल लगेगा टोटल, ये जो हमारा 10x12 का जो एरिया है उसको इस कटिंग के साथ में लगाने के लिए। अभी दोस्तों हम लोग इसमें 1-2 टाइल और एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों कभी कभी लगाने में टाइल्स वगैरह जो होता है वो थोड़ा सा टूट वगैरह जाता है या फिर ख़राब निकल जाता है, उसका कॉर्नर वगैरह सब टूट जाता है। तो इसको टोटल हम लोग दोस्तों 36 टाइल्स इसको मान के रख लेते हैं कि 12x10 का जो रूम होगा उसमें 36 टाइल्स लगेगी, जो हमारा 2x2 की टाइल्स होगी। यहाँ पे टोटल टाइल्स 36 पीस लगेगी। अभी अगर दोस्तों हम लोग इस टाइल्स की कास्ट के बारे में बात करें, तो दोस्तों हमारा जो टाइल का कास्ट होता है लगभग, अगर हम मीडियम रेंज में जाते हैं तो 50 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट थोड़ा अच्छा होता है। इसके बाद तो दोस्तों 150, 200, 100 कुछ भी लगा सकते हैं। फिर भी दोस्तों हम लोग नॉर्मली 50 रुपये का रेट पकड़ लेते हैं। तो एक टाइल का रेट दोस्तों, इसमें 4 स्क्वायर फीट आता है, तो इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये हमारा जो एक टाइल का रेट 200 आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो हमारा 36 टाइल्स है, इसको 36 से दोस्तों हम लोग 200 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7200 रुपये दोस्तों ये हमारा आ गया। एक जो हमारा 10x12 का जो रूम है उसमें जो हमारा टाइल का खर्चा आएगा लगभग दोस्तों 7200 रुपये का हमारा टाइल आ जाएगा। और उसमें दोस्तों हमारा लगभग ये 36 पीस टाइल्स लगेगा 2x2 का। इस तरीके से दोस्तों अगर आप भी अपने घर में टाइल्स लगवाना चाहते हैं तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके घर में कितना टाइल लगेगा, कितना खर्च आएगा टाइल्स का। अभी दोस्तों इस वीडियो में हम इसमें इसका लगाने का खर्च और इसके साथ में दोस्तों और जो मटेरियल का उसको ऐड नहीं किया है, केवल दोस्तों हमने आपको टाइल्स का रेट बताया हुआ है। तो आप इसके साथ ही अगर आप भी टाइल को लगवाना चाहते हैं तो ये आपका इजीली टाइल का रेट निकल गया है दोस्तों। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।